यूपी स्टाइल फेमस आलू टमाटर की सब्जी की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में पूरी के साथ, और इसके लिए मैंने 3-4 आलू उबाल लिए हैं जिसे मैं अभी छील रही हूँ। ये उबले हुए आलू मैंने काट के रख लिए हैं। इसके बाद 2 टमाटर कटी हुई, 2 मिर्च कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 बड़े प्याज को काट कर रखा है। कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने तेल डाल लिया है। तेल आप मीठा तेल या तिल का तेल या राई का तेल ले सकते हैं, मैंने राई का तेल लिया है। राई का तेल यूपी में बहुत फेमस है, हर सब्जी राई के तेल में ही बनती है, तो मैंने भी राई का तेल लिया है। 1/2 चम्मच जीरा, इसके बाद जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट रखा है वो मैं डाल लूँगी। हल्का सा भुन जाने के बाद जो मैंने प्याज काटा हुआ था, 1 बड़ा प्याज का जो टुकड़ा है वो भी रखूँगी, लेकिन इसके पहले मैं वो जो मिर्ची है वो काट के डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद इसे जस्ट 1 मिनट भून लेना है, और हल्का सा जब ये भून जाए प्याज तो उसके बाद नमक डालूँगी 1/2 चम्मच। नमक डालने से पकने में जल्दी वक्त नहीं लगता, तो इसलिए नमक पहले डाल लेती हूँ मैं। 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें जो टमाटर कटी हुई रखी थी वो डाल रही हूँ। इसके बाद फिर से 1 मिनट चला लेंगे और थोड़ा सा पकने के बाद इसे थोड़ा सा पका लेंगे, और ये पक गई है ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा तेल छोड़ने लगा है। तो इसके बाद जो मैंने मसाले हैं, जिसमें ये हल्दी है 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और 1 चम्मच गरम मसाला, जो है ये गरम मसाला हमारे घर की बनी हुई है, आप कोई भी मार्केट से रेडीमेड मसाला भी ले सकते हैं। इसे फिर से मैं चला लूँगी अच्छे से, 2 मिनट तक इसे भून लेंगे। 2 मिनट तक पकने के बाद इसे हम लोग देखेंगे अगर ये तेल छोड़ रहा है बाजू से, तो तेल छोड़ने के बाद इसमें हम लोग कटी हुई आलू जो है हम लोगों ने जो रखा है वो आलू डाल लेंगे। मसाला अच्छे से पक गया है तो ये आलू हम लोग डाल सकते हैं। तो आलू डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से चला लें। और इसके बाद जो मैंने थोड़ी सी धनिया कटी हुई रखी थी वो मैं डाल रही हूँ। इसे फिर से थोड़ा सा चलाने के बाद मैं 1/2 ग्लास पानी इसमें डालूंगी। और इसके बाद सिर्फ 2 मिनट इसे पकने दें। और ये ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी 2 मिनट बाद। उबाल आ चुकी है और भाजी रेडी है। अभी इसके बाद मैं पूरी बनाने जा रही हूँ, जिसमें कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया, मीठा तेल है ये, और इसे गर्म करने रखा है। आटा गूंद कर रखा हुआ है मैंने, इसमें मैंने अजवाइन डली हुई रखी है, बस इसे मैं बेल कर पूरी को गरम गरम तेल में डालूंगी, और ये गरम गरम पूरियाँ ब्राउन होने के बाद फूलने लगी, और ये पूरी बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी के साथ। तो आप ज़रूर एक ट्राई दीजिए, ये पूरी और आलू टमाटर की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप ये नाश्ते में खा सकते हैं या लंच में भी खा सकते हैं। तो मैंने ये खाना चालू कर दिया है और ये काफ़ी टेस्टी बना है, मैं आपको बता नहीं सकती लेकिन दिखा ज़रूर सकती हूँ कि ये बहुत ही टेस्टी बना है, और आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।